फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुस्कान और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूं, लाइक आप अपने फेस की स्किन की, बॉडी की स्किन की कैसे देखभाल कर सकते हैं, वो भी अच्छे से कि आपकी स्किन बिल्कुल भी ख़राब ना हो। ओके, सो बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फेस से। तो फेस पे आपको, आप नहाओ चाहे ना नहाओ, राइट, आपको फेस वॉश करना ही है। इट्स कंपल्सरी एंड दैट टू ट्वाइस अ डे। ओके, तो आपको दिन में 2 बार फेस वॉश करना है और फेस वॉश करने के जस्ट बाद आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, क्योंकि अगर फेस वॉश आपने लाइक अभी किया और मॉइस्चराइज़र आपने 10 मिनट बाद अप्लाई किया तो वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है स्किन में। लेकिन जब आप फेस वॉश करने के जस्ट बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आपकी स्किन में मॉइस्चराइज़र अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, अदरवाइज़ वो स्किन की सिर्फ ऊपरी परत पर रहता है और अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप मॉइस्चराइज़ करें अपनी स्किन को, खासकर विंटर्स में, और वो भी फेस वॉश करने के जस्ट बाद कर ले तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब सेकेंड चीज़ है स्क्रब। आप वीक में एक दिन अपनी स्किन को थोड़ा सा पैम्पर कर ले, स्क्रब ज़रूर करें प्लीज़। भले ही वो DIY स्क्रब हो, लाइक होममेड स्क्रब, या फिर मार्केट से लिया हुआ स्क्रब, लाइक बोथ वर्क्स ऑलमोस्ट द सेम। बस होममेड स्क्रब में इतना होता है कि वो नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, आपकी स्किन में केमिकल्स का कोई भी फिर इफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो आप दोनों में से कोई सा भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ डू यूज़ स्क्रब। स्क्रब इज़ मस्ट। अगर आप एक हफ्ते में एक दिन स्क्रब को दे देंगे ना, तो आपकी स्किन बहुत ही फ्रेश फील करेगी, क्योंकि स्क्रब करने के बाद आपकी स्किन से सारी डेड स्किन निकल जाती है और आपकी स्किन अंदर से आपके पोर्स क्लीन हो जाते हैं। ओके, देन द थर्ड थिंग इज़ कि आप फेस मास्क ज़रूर यूज़ करें। फेस मास्क लाइक फेस पैक, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आप फेस पैक ज़रूर यूज़ करें, भले ही वो भी DIY लाइक होममेड हो या फिर मार्केट से लिया हुआ, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आप होममेड फेस मास्क या फेस पैक कह लें उसे, वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप फेस पैक लगाएंगे वो भी होममेड, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपकी स्किन को डीपली नरिश करने में भी हेल्प करता है। ओके, तो आप फेस मास्क भी ज़रूर लगाइए, खासकर विंटर्स में। और विंटर्स में अगर आप होममेड फेस पैक लगा रहे हैं तो, और वो भी होममेड, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप उसमें ऐसी चीज़ें मिलाएं जिससे आपकी स्किन में नरिशमेंट मिले, लाइक जैसे मलाई, दही। दही आप कोशिश कीजिए कि वो ठंडा ना हो, फ्रिज का ना हो, अदरवाइज़ आपकी स्किन को वो थोड़ा उल्टा इफेक्ट कर सकता है, बहुत ठंडा लगेगा आपको आपकी स्किन पर। और आप उसमें दूध मिला सकते हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाएं जिससे आपकी स्किन को और ज़्यादा नरिशमेंट मिले। ऐसे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल यूज़ ना करें जिससे आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाए, ठीक है। अब यहाँ तो हो गया आपके फेस का रूटीन बिल्कुल क्लियर, कि आप कोई भी एक दिन देख के आप स्क्रब और फेस मास्क दोनों अप्लाई कर लीजिए, या किसी एक दिन स्क्रब ज़रूर करिए और किसी एक दिन फेस पैक ज़रूर यूज़ कीजिए। ओके, अब चलते हैं बॉडी की देखभाल पे। तो अब वो तो आप लोग जानते ही हैं आप कितना नहा लेते हैं। ओके, ठंड में बस यही है कि आप जिस दिन नहाएं उस दिन बी श्योर कि आप अच्छे से नहाएं, और फिर मॉइस्चराइज़ भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना ठंड में कि यार इधर इचिंग हो रही है, इधर इचिंग हो रही है, कहीं ना कहीं इचिंग होती रहती है पूरी बॉडी में। वो क्यों होती है? बिकॉज आप मॉइस्चराइज़ नहीं करते आपकी बॉडी को। ओके, तो आपको मॉइस्चराइज़ करना है, भले आप 2 दिन में एक बार नहाएं, तो आप जिस दिन नहाते हैं आपको क्या करना है, बस जैसे ही जैसे हमारा फेस का रूटीन था कि फेस वॉश करने के जस्ट बाद आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, वैसे ही बॉडी वॉश करने के बाद आप नहा लिए उसके बाद आपको आपकी बॉडी पर भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है एवरीवेयर। ओके, इससे आपको इचिंग नहीं होगी, और आपको जहाँ ज़्यादा इचिंग होती है आप वहाँ कोशिश कीजिए ज़्यादा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, क्योंकि ठंड में इचिंग मोस्टली इसी वजह से होती है, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है, फटने लगती है, इसलिए ज़्यादा इचिंग होती है। तो कोशिश कीजिए वहाँ पर मॉइस्चराइज़र ज़्यादा अप्लाई कर लें, एंड मॉइस्चराइज़र आप नहाने के तुरंत बाद ही अप्लाई करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्ब अच्छा करेगी स्किन और वो हमारी स्किन में ज़्यादा देर तक रहता है। ओके, तो आपको यही करना है आपकी बॉडी के लिए। और सेकेंड चीज़, आप हो सके तो लाइक मैं इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी फ़िलहाल, बट फेस के लिए स्क्रब बहुत इंपॉर्टेंट है, वीक में एक बार, या अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं है तो 2 वीक में एक बार तो आप ज़रूर कर लीजिए। लेकिन
बॉडी स्क्रब की बात की जाए तो वो इतना ज़्यादा असेंशियल नहीं है, बट समवेयर अराउंड वी नीड टू रिमूव ऑल द डेड स्किन सेल्स फ्रॉम आर स्किन, और उसके लिए स्क्रब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं बहुत ही असेंशियल रोल प्ले करता है हमारी डेड स्किन सेल्स निकालने के लिए. तो आप स्क्रब एक प्यूमिक स्टोन ले लीजिए या फिर बॉडी स्क्रब्स आते हैं तो आप उससे अपनी, या फिर लोफा ले सकते हैं आप, उससे अपनी बॉडी को स्क्रब कर लीजिए अच्छे से, और फिर वीक में एक बार, वीक में दो बार, महीने में एक दो बार आप कर ही सकते हैं, इतना तो आपकी बॉडी के लिए. ओके तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन से जो भी डेड स्किन सेल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे. ओके और आपकी स्किन फ्रेश फील करेगी और इनफैक्ट आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. ओके सो दैट्स इट. आई गेस मुझे आपको यही सब बताना था, बिकॉज़ आई डू दीज ऑल थिंग्स. जो भी मैं करती थी वो मैंने आपसे शेयर करा है, और मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही हैं, खासकर विंटर्स में. ओके गाइस, आई होप आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा होगा. अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो देन डू लाइक माई वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.